कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं और उनको फिर हामिद अली खान ने कहा कि 11 दफा पेश हो सकते हैं तो फिर जन्म क्या वजह है। तो इसी पॉइंट पे एक एहसन इकबाल साहब ने इससे पहले पॉइंट रेज किया कि अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमात सियासी नौयत के हैं, विक्टिमाइज किया गया, डर किस चीज का? आप खत लिख दीजिए, मुकदमात अगर खुलते भी हैं, अगर आप साफ हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें डर किस चीज का? पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हजरत उमर के जमाने में आईन नहीं था, ठीक है, पांचवी जरूर था लेकिन आईन नहीं था, तो लिहाजा वो जितनी दफा आए और बुलाए उसका आप मिसाल ना दें। नंबर टू बात हो रही थी अभी स्विस केस की, क्या तमाम लोग कानून की नजर में बराबर नहीं? एक मिनट, वो सदर हो, आप हो, मैं जी, जो सदर होता है, जो सरबराए मुमलिकत होता है, वो आम शहरी नहीं होता है, उसको चंद तहफ़ुज़ात दिए जाते हैं, अगर उसको तहफ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो वो नबील गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में। नदीम मलिक को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।